हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह मालूम किया जाता है इनहेरिटेंसी के बारे में। इनहेरिटेंसी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो जो कैरेक्टर हमारे में है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो उनके पेरेंट्स से ही आए हुए हैं, उसे ही हम इनहेरिटेंसी या फिर हेरिडिटी कहते हैं। इसको समझने वाले या इसको समझाने वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं जेनेटिक्स। यूं तो देखा गया कि ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर बाय ए सब्सटेंस, किससे ट्रांसफर होते हैं बोलो तो भाई, ये सब्सटेंस जिसका नाम है डीएनए। आज हमें ये पता है कि हमारा जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, हमारा जो इनहेरिटेंसी हो रही है थ्रू ए जेनेटिक मटीरियल जिसका नाम है डीएनए। लेकिन यही बात कुछ साल पहले मालूम नहीं थी। सो इन द ईयर 1928 में ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की और उसने ये मालूम किया कि जेनेटिक्स ट्रांसफर होने वाला, जेनेटिक्स को जो ट्रांसफर करने वाला जो क्या है मटेरियल है, ये कौन है, क्या ये एक प्रोटीन है, क्या ये एक डीएनए है, क्या ये आरएनए है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी हो सकता है। उस समय ये बात मालूम नहीं थी। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल के, यानी कि वो प्रिंसिपल मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसने उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल in his experiment, which is considered as a Griffith experiment. So for his experiment, he selected two organisms. One is mice. Mice कहते हैं चूहे। चूहे की जो property है, चूहे की जो features है, वो काफी हद तक similar होता है human beings से, क्योंकि belongs to the same class mammals. तो बहुत सारे experiment चूहे पे ही किए जा चुके हैं या अभी भी चूहे पे ही होते हैं, ताकि easily हमें results मिल सके, which easily compared to the human being. सेम दिन एक बैक्टीरिया इन्होंने सेलेक्ट किया जो कॉज करता है डिसीज को, जिसका नाम है निमोनिया। वो बैक्टीरिया का नाम था स्टैप्टोकोकस निमोनिया। वहां दो तरह के स्टैप्टोकोकस निमोनिया है, एक वायलेंट जो डिसीज लाता और दूसरा नॉन वायलेंट जो डिसीज नहीं लाता। जो वायलेंट डिसीज लाने वाला जो बैक्टीरिया है, उसके ऊपर पॉलीसेक्राइड का एक कोट होता है, जिसे हम एसिस्टेंट कहते हैं, यानी कि स्मूथ स्टेंट। और जो नॉन वायलेंट है, जो डिसीज नहीं लाता, उस पे पॉलीसेक्राइड का कोट नहीं होता, और उसे हम कहते हैं रफ स्टेन, यानी कि आर स्टेन। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे, उसे ये मालूम करना था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, उसे ये मालूम करना था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। इसके लिए उन्होंने किसे लिया, एक माइस को लिया, ठीक है, मैमल का एक ऑर्गेनिज्म माइस, और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, विच कॉज द डिजीज मलेरिया, सॉरी, विच कॉज द डिजीज निमोनिया, बराबर। चलिए, अब क्या होता है, जो एसिस्टेंट था विच कॉज टू द डिजीज, उसको उन्होंने इंजेक्ट किया उस माइस में। जैसा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ चूहे के अंदर, और चूहे का क्या हो गया, डेथ हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एक स्ट्रेन है हमारे पास बैक्टीरिया का, आर स्ट्रेन, उसको इंजेक्ट करने पे चूहा नहीं मरेगा, क्योंकि वी डज नॉट कॉज द निमोनिया। ठीक है, ये दो रिजल्ट हमें समझ में आए कि उन्हें चूहे को मारा और एसिस्टेंट से चूहा मारा, और आर स्ट्रेन से चूहा नहीं मरा, बराबर। अब ये समझ में आने का था, ये अब मालूम करना था कि हम उस एसिस्टेंट को ठीक क्यों करें, यानी कि जो चीज उन्हें ट्रांसफर कर रहा था वो चूहे के अंदर, उसको हम हीट किल करके डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर वो एसिस्टेंट को ट्रांसफर करने के बाद चूहा बच गया। तो वो जेनेटिक मटेरियल यहां पर डिसॉल्व हो चुका, वो जेनेटिक मटेरियल हीट की वजह से खत्म हो चुका, एंड द रिजल्ट इज गुड, यानी कि जेनेटिक ट्रांसफर नहीं हुए, मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं हुए, और वो चूहा जिंदा बच गया। ठीक है, एसिस्टेंट से चूहा मरा, आर स्टेंट से चूहा नहीं मरा, और एसिस्टेंट को हमने हीट किल की, फिर ट्रांसफर किया, चूहा तब नहीं मरा। थर्ड बार हमने क्या किया, एसिस्टेंट को हीट किल करे तो एसिस्टेंट लिए, और आर स्टेंट वैसे भी वो चूहे को नहीं मारते, आर स्टेंट वैसे भी वो चूहे को नहीं मारते, जो चूहे को मारने वाले बैक्टीरिया थे उसको हम हीट किल किए। तो उन दोनों को जब मिक्स करके चूहे में ट्रांसफर करने के बाद क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स चूहा नहीं मरना चाहिए, क्योंकि आर स्टेंट तो वैसे भी नहीं मारते और एसिस्टेंट को तो हमने हीट किल किया है, लेकिन द रिजल्ट इज माइस इज डेड। और उस डेथ बॉडी में, उस मरे हुए चूहे के अंदर लाइव एसिस्टेंट पाए गए, जो
जो कि लाइव रेजिस्टेंट तो थी, लाइव रेजिस्टेंट तो हमने हीट किल किया था, ठीक है, और आर स्टेंट तो आर स्टेंट, लाइव स्टेंट तो हीट किल किया कर देते, लेकिन उस चूहे की डेड बॉडी में लाइव असिस्टेंट पाए गए और उसकी मरने की वजह भी निमोनिया ही थी। सो वहां पर ग्रिफिथ कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई मैंने तो असिस्टेंट डाले ही नहीं, तो ये असिस्टेंट कैसे पाए गए। तो और रिसर्च करने पे ये मालूम हुआ कि वो जो आर स्टेंट थे वही असिस्टेंट में कन्वर्ट, जो आर स्टेंट थे वही असिस्टेंट में कन्वर्ट हुए, पॉलीसेक्राइड कोर बनाया, फिर उन्होंने फिर वो आर स्टेंट जब असिस्टेंट की बन गए, देन दे कॉज टू द डिजीज निमोनिया एंड माइसिस डाई। तो वहां ग्रिफिथ को ये मालूम करना था कि वो क्या मटेरियल था जो असिस्टेंट में से आर स्टेंट में गया और आर स्टेंट को बना दिया असिस्टेंट एंड व्हिच कॉज टू द डिजीज निमोनिया एंड डेथ, राइट। देन उसी बात को समझते ग्रिफिथ ने ये मालूम नहीं कर सके कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल कौन है। देन आफ्टर ग्रिफिथ लेटर स्टडीज आर गोइंग टू बी फाइंड द रिजल्ट, द एंड ऑफ द ग्रिफिथ, ग्रिफिथ का जो एंड था कि वो क्या ट्रांसफर हुआ एस आर स्टेन से, सॉरी एस स्टेन हीट किल एस स्टेन में से आर स्टेन में और आर स्टेन को बना दिया एस स्टेन। तो बाद की कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर इस पे दोबारा रिसर्च की, इस पे दोबारा रिसर्च की एंड आइसोलेट द एस स्टेन फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ द माइस एंड दोस उस एस स्टेन को इन्होंने डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट किया, डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट करने के बाद भी वो ट्रांसफर होने लगा और एक एंजाइम ऐसा मिला जो उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, तब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं हुई। देन इट इज कंक्लूडेड दैट कि जो जीन जो जो मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है वो कोई और नहीं, कौन है वो डीएनए। तो प्रोटीएज एंड आरएनए जैसे एंजाइम को यूज करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करे फिर भी ट्रांसफर हुआ, आरएनए से एंजाइम को यूज करके आरएनए को डाइजेस्ट कर दिए फिर भी ट्रांसफर हुआ। एक और एक बार जब डीएनए नाम के एंजाइम को यूज करने पर डीएनए को डाइजेस्ट कर डाले तब ट्रांसफर नहीं हुआ। सो इट इज कंक्लूडेड दैट द जेनेटिक मटेरियल इज वाज डीएनए, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सी टॉपिक है, सेकंड पीयूसी के आने वाले एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसकी नोट्स आपको एग्जाम में कैसा लिखना है मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रख चुका हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।